नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे फटाफट खबरों पर। देश के अर्थव्यवस्था पर बोले पीएम मोदी, कहा पहले लोग देश का पैसा लेकर भागते थे, हमारी सरकार पैसा वापस ला रही है। अब तक 5,00,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। 19 नवंबर को महोबा दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, शहर को देंगे अर्जुन सहायक परियोजना समेत कई योजनाओं की सौगात, जनसभा को करेंगे संबोधित, पीएम के आगमन को लेकर प्रशासन सतर्क। लखनऊ दौरे पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक हुई बातचीत। इसके बाद सीएम योगी और मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के अफसरों के साथ भी की बैठक। प्रदूषण पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा 2025 तक कराई जाएगी यमुना की सफाई, ओखला रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे, गाजीपुर ड्रेन की सफाई की शुरू। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची अमेठी के मऊ अतवारा, बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के घर जाकर की मुलाकात, हर घर दस्तक कार्यक्रम में लिया हिस्सा, प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों से की मुलाकात। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर भड़के पवार, बीजेपी को लिया आड़े हाथों, कहा बीजेपी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर वार, अखिलेश की पार्टी का नाम जिन्नावादी पार्टी रखने का दिया सुझाव, 2022 में बीजेपी की जीत का किया दावा। लखनऊ की एक कोर्ट ने डांसर और अभिनेत्री सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, शो कैंसिल करने और दर्शकों के पैसे न लौटाने का लगा आरोप, अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने का आदेश। क्रूज ड्रग्स पार्टी को लेकर नवाब मलिक का नया खुलासा, समीर वानखेड़े का धर्म बताने के लिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किया जारी, सर्टिफिकेट को जारी कर वानखेड़े पर मुस्लिम होने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों में आने वाले 21 नवंबर तक सभी स्कूल कॉलेज बंद करने के अपने आदेश को लिया वापस, नोएडा में निर्माण कार्यों पर जारी रखी रोक, इमरजेंसी सेवाओं को भी दी छूट। मुंबई के पवई इलाके में हुंडई के शोरूम में लगी आग, धमाके के बाद हुआ हादसा, आग के कारणों का नहीं चल सका पता, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। यूपी में मौसम ने ली करवट, आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम और बदलने की आशंका, लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। देश में कोरोना के 24 घंटे में 16.9% ज्यादा मामले आए सामने, कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए मामले मिले, 457 मरीजों की हुई मौत, 11,242 मरीज हुए ठीक। फटाफट खबरों में बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।